एक लड़का लड़की दिल्ली कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपस में दोनों को इतना प्यार हो जाता है कि दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते। तो वो दोनों अपना वीज़ा लेकर पढ़ाई के लिए और वहाँ पर नौकरी करने के लिए अमरीका चले जाते हैं। अमरीका पहुँचने के बाद दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और कुछ दिन वहाँ पर प्यार से रहते हैं। रहने के बाद जो लड़की होती है उसको जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जैसे ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लड़की परेशान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि इनकी जिम्मेवारी के लिए हमें वापस इंडिया आना चाहिए। तो दोनों मिलकर लड़का और लड़की वापस इंडिया आ जाते हैं, लेकिन इंडिया आने के कुछ ही दिन बाद पति अपनी पत्नी के 72 टुकड़े करके उसे डीप फ्रीजर में रखता है और 57 दिन तक उसे डीप फ्रीजर में रखे रखता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती और जब खुलासा होता है तो एक बहुत ही भयानक खुलासा होता। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की। यहाँ पर प्रकाश नगर में राजेश कुलहाटी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसके परिवार की कहानी है, जिसकी पत्नी का नाम होता है अनुपमा गुलहाटी, जिसके दो बच्चे होते हैं और जो उन दोनों के दोनों जुड़वा होते हैं। दोस्तों, कहानी कहाँ से बदलती है, एक दिन अनुपमा घर से गायब हो जाती है और बच्चे जो होते हैं वो स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद जैसे ही घर पर वो पहुँचते हैं, अपनी मम्मी को देखते हैं तो वहाँ पर उनकी मम्मी नहीं दिखाई देती है। वो अपने पापा को भी कई बार कहते हैं कि पापा, हमारी मम्मी कहाँ गई, लेकिन पापा भी यही कहते हैं, बेटा वो कुछ बता कर नहीं गई है और उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ गई। दोस्तों, जो अनुपमा का भाई होता है SK चौधरी, वो दिल्ली में रहता है। दिल्ली से वो सीधा देहरादून के लिए कूच कर देता है। जैसे ही देहरादून में पहुंचता है और अपने जीजा से कहता है कि मेरी बहन का कोई अता पता लगा, कहाँ है मेरी बहन, कहाँ चली गई। तो दोस्तों, जो जीजा होता है वो यही कहता है कि अभी तक कोई अता पता नहीं लगा और उसका कोई अता पता भी नहीं है। कुछ ही देर बीतने के बाद जो जीजा होता है वो बाथरूम के अंदर जाता है और बाथरूम के अंदर से एक मैसेज करता है। और मैसेज जो उसका भाई होता है, लड़की का, अनुपमा का भाई, उसके पास मैसेज आता है और मैसेज में वो यही लिखा होता है कि भाई, मेरा इंतज़ार मत करना, अब मैं लौटकर नहीं आने वाली। दोस्तों, वो मैसेज उसकी बहन के नंबर से आता है। उसे नहीं पता होता है कि वो मैसेज किसने किया है। वो अपने जीजा को कहता है कि देखो, यह हमारे पास एक मैसेज आया है और इस मैसेज में यही लिखा है कि मैं वापस लौट कर आने वाली नहीं हूँ। अब क्यों ना हमें पुलिस स्टेशन जाकर इसकी FIR दर्ज करानी चाहिए। जीजा मना करता है कि जब उसने मना ही कर दिया मैं लौट कर आने वाली नहीं हूँ, तो वो लौट कर नहीं आने वाली, क्यों पुलिस के पचड़े में पड़ना है। दोस्तों, उसका भाई नहीं मानता है और अपने जीजा को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। और गुमशुदी की रिपोर्ट भी 57 दिन पहले की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि हमारी जो घरवाली है, जो भाई कहता है कि जो मेरी बहन है, वो 57 दिन पहले घर से गायब हुई है और अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रो रो का बुरा हाल है, आप जल्दी कीजिए। लेकिन पुलिस वाले भी यहाँ पर उनको कहते हैं कि आप टेंशन ना करो, ये हमारा काम है, हम बहुत ही जल्दी उनको ढूंढ लेंगे। दोस्तों, सांत्वना देकर वो अपने घर वापस आ जाते हैं और पुलिस वाले कुछ ही देर के बाद, यानी कुछ ही घंटों के बाद उनके घर पहुंच जाते हैं। 5 पुलिस वाले उनके घर पहुंच जाते हैं और घर जाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। उनसे कहते हैं कि कहाँ गई अनुपमा का कोई फ़ोटो दिखाइए, कोई उनकी पिक्चर दिखाइए, जिससे हम उन्हें ढूँढ सकें। तो दोस्तों, जो अनुपमा का फ़ोटो होता है, वो शादी वाला फ़ोटो उनके पास होता है। शादी वाला फ़ोटो उनको दिखाया जाता है और पुलिस अनुपमा की फ़ोटो लेकर वहाँ से चल देती है। जैसे ही वहाँ से पुलिस निकलती है, अचानक उनमें से एक पुलिस वाला पीछे रुक जाता है और उसकी नज़र एक डीप फ्रीजर पर पड़ती है जो कि उसके घर में रखा हुआ होता है। डीप फ्रीजर को देखते ही पुलिस वाला चौंक जाता है कि अक्सर घरों में डीप फ्रीजर नहीं हुआ करते, घरों में तो फ्रीज हुआ करते हैं, लेकिन इस घर में डीप फ्रीजर क्यों है। वो अपने साहब SHO साहब को बुलाता है और कहता है, SHO साहब, मैंने एक वस्तु इनके घर में देखी है और इस वस्तु का यहाँ पर होना अनिवार्य नहीं है। ये डीप फ्रीजर इनके घर में रखा हुआ है और डीप फ्रीजर एक घर में कैसे हो सकता है, जबकि घर में तो आम तौर पर फ्रीज हुआ करते हैं।
तो SHO भी रुक जाता है और वापस घर की तरफ मुड़ जाता है और आकर फिर जो राजेश गुलाटी होता है उसे पूछताछ करने लगता है कि ये डीप फ्रीजर यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। राजेश गुलाटी कहता है कि बस ये ऐसे ही मैंने रख लिया है, इसमें कुछ सामान रखने के लिए रखा हुआ है। और जो पुलिस वाले उसमें देखते हैं कि उसका ताला लगा हुआ है, ताले को देखकर उनको शक और हो जाता है कि इसका ताला लगा हुआ क्यों है। वो राजेश को फिर सख्ती के साथ पूछते हैं कि इसमें ताला क्यों लगा हुआ है, ये डीप फ्रीजर क्यों बंद है। राजेश कहता है कि जो मेरी पत्नी है अनुपमा गुलाटी, वो इसकी चाबी को लेकर कहीं चली गई है और उसी के पास इसकी चाबी है, मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, उसी ने इसका ताला लगाया हुआ है। दोस्तों, पुलिस की जो शक की सुई होती है और वो और तेज़ हो जाती है। वो जो राजेश गुलाटी होता है उससे कहते हैं कि आप क्यों मना कर रहे हो कि आपके पास चाबी नहीं, चाबी आपके पास ही है और आप इस चाबी को कैसे देना चाहते हैं, आप इसको राजी से देना चाहते हैं या पुलिस वाला रवैया हम आपके साथ अपनाएं तब इस चाबी को देना चाहते हैं। राजेश एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, वो सोचता है क्यों यार, ये अगर तेरे साथ में ज़बरदस्ती करेंगे तो भी तेरे को देना पड़ेगा, क्यों ना इनको पहले इस चाबी को दे दिया जाए। तो दोस्तों, पुलिस वाले उससे चाबी ले लेते हैं और ताला खोलते हैं। जैसे ही वो ताला खोलते हैं तो अंदर बिल्कुल उसमें बर्फ़ जमी हुई होती है और उसके अंदर जो पॉलीथीन रखी हुई होती हैं वो ब्लैक कलर की रखी हुई होती हैं और पॉलीथीन के ऊपर भी इतनी बर्फ़ जमी हुई होती है कि उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे ही पुलिस पॉलीथीन खोलती है तो उसमें जो मांस होता है वो दिखाई देता है, यानी कि गोश्त उसमें दिखाई देता है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद कुछ खाने पीने के लिए कोई मांस मदरा का ये शौकीन होगा, इसने अपने खाने के लिए कुछ रख रखा होगा। दोस्तों, जैसे ही अगली पन्नी खोली जाती है उसमें भी वही मांस के लोथरे मिलते हैं, लेकिन जो तीसरी पन्नी खोली जाती है उस पन्नी से उसमें एक अलग ही खुलासा होता है। उसमें कुछ इतनी बर्फ़ जमी हुई होती है कि उस बर्फ़ को काफ़ी देर बाहर रखा जाता है और वो पिघल जाती है, तब उस पन्नी में से अलग अलग से उंगलियों के निशान यानी उंगलियां दिखाई देने लगती हैं कि एक इंसान की इसमें उंगलियों को काट कर रखा हुआ, एक हाथ वहां पर कटा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, पुलिस वाले उस हाथ को अपने कब्जे में लेते हैं और जो राजेश गुलाटी होता है उससे और सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। राजेश गुलाटी ज़्यादा देर नहीं रुक पाता, वो टूट जाता है। टोटल मिलाकर उसमें से जो पॉलीथीन होती हैं वो 35 यानी कि 35 पॉलीथीन होती हैं और 35 पॉलीथीनों को उसमें से निकाला जाता है, उन सब को जोड़ा जाता है, लेकिन जोड़ने के बाद भी उसमें सब का कुछ हिस्सा अधूरा रहता है। पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि इसमें से बाकी हिस्सा कहाँ गया, तो पुलिस वालों को यही कहता है कि सर, इसमें से बाकी हिस्सा मैंने फेंक दिया है। और पुलिस वाले उसे कब्जे में लेकर उसे कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में जाकर उसको सज़ा हो जाती है और सज़ा भी उसे आजीवन कारावास हो जाता है। पुलिस वाले उससे पहले उससे कुछ और खुलासा कराना चाहते हैं, उससे पहले उससे पूछना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, वो जब खुलासा करता है, खुलासा बहुत ही बड़ा खुलासा होता है और वो पूरी सच्चाई अपने जीवन की बताता है कि हम दिल्ली कॉलेज में पढ़ा करते थे, दोनों साथ में ही पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते हम दोनों में प्यार हो गया और प्यार भी इतना हो गया कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शादी के लिए हम यहाँ पर हमारी शादी नहीं हो पाई, घर वालों ने हमें मना कर दिया, हम अमरीका चले जाते हैं और अमरीका जाकर वहाँ पर दोनों जॉब करने लगते हैं और वहीं पर शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं और जुड़वा बच्चों की देख रेख में मेरी पत्नी लग जाती है और वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि उन जुड़वा बच्चों के कारण वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है। फिर हम दोनों एक फैसला करते हैं, क्यों ना हम इंडिया वापस आएँ और इंडिया में आकर कोई जॉब करें और वहीं पर रहने लगें। हम दोनों वापस इंडिया आ जाते हैं, ये अपने घर मायके चली जाती है और अपने घर वालों के साथ रहने लगती है और मैं अपनी जॉब की तलाश में चला जाता हूँ और जॉब के लिए मेरे को कलकत्ता जाना पड़ता है। वहाँ पर मेरे को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है और कंपनी में जॉब मिलने के बाद वहीं पर एक लेडीज़ होती है जिससे मेरी निगाहें मिल जाती हैं और निगाहें मिलने के बाद मेरे को उससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद हम दोनों आपस में एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इन सब का पता अनुपमा को पता चल जाता है। अनुपमा को पता चलने के बाद अनुपमा
कलकत्ता पहुंच जाती है और वहां जाकर लड़ाई करने लगती है। और लड़ाई होने के बाद लड़ाई इतनी हो जाती है कि पुलिस में केस चला जाता है, पुलिस के बाद कोर्ट में भी केस चला जाता है। कोर्ट में केस जाने के बाद कोर्ट यही फैसला करता है कि आपको अनुपमा के बच्चों के खर्चे के लिए 20,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। और फिर हम दोनों आपस में बैठकर एक फैसला लेते हैं और हम यही फैसला लेते हैं क्यों ना हम फिर दोबारा से एक साथ रहें और एक साथ ही अपना जीवन व्यतीत करें। तो हम दोनों वापस देहरादून आ जाते हैं। देहरादून आकर ये मेरे से रोज़ रोज़ लड़ाई करने लगती है और डेली डेली ये मेरे साथ में हाथापाई तक कर देती थी, मेरे साथ में मारपीट तक कर देती थी। एक दिन का वाक्य होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल चले जाते हैं, घर पर मैं और मेरी पत्नी अनुपमा अकेले रहते हैं। हम दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। अचानक ऐसा होता है कि झगड़ा करते करते उसमें एक धक्का लग जाता है और धक्का एक टंकी के कोने में लगता है और कोने में लगने से वहीं पर बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद मेरे को लग रहा था कि ये फिर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट कचहरी में फिर हमारा वही मामला फंसेगा। तो मैं इस मामले से, इस पचड़े से बचने के लिए मैंने उसमें एक वहीं पर घर में एक रुई पड़ी थी, रुई उठाई और उसके मुंह में ठूस दी और जिससे उसकी मौत हो गई। उसे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही मेरे बच्चे घर में आए, बाथरूम के अंदर मैंने उसको बंद कर रखा था। उन्होंने पूछा कि मम्मी कहाँ है, मैंने कहा कि बेटे अभी मम्मी यहाँ नहीं है, वो जल्द ही आ जाएगी। लेकिन फिर अगले दिन वो अपने स्कूल गए और स्कूल जाने के बाद मैं घर पर अकेला रह गया। फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैं क्या करूं जिससे कि अब इसकी लाश को ठिकाने लगाया जा सके। मैं एक डीप फ्रीजर खरीद कर लेकर आया और उस डीप फ्रीजर के अंदर उस लाश को मैंने बंद रखा। मेरे को 2 दिन उसी के अंदर बंद रखते रखते हो गए और मैं यही सोचता रह गया कि मैं अब करूं तो करूं क्या, क्योंकि घर पर बच्चे आ जाते, बच्चों के सामने ये नहीं हो सकता था। तो मैं धीरे धीरे बाज़ार जाया करता, बाज़ार से किसी दिन आरी लेकर आता, किसी दिन कुछ और सामान लेकर आता। धीरे धीरे मैंने सारा सामान जोड़ लिया और जो डेड बॉडी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बाज़ार से कुछ ब्लैक पॉलोथीन लेकर आया, उन ब्लैक पॉलोथीनों में भर दिए। और वो ब्लैक पॉलोथीन थी 75 यानी 75 पॉलोथीन थी, 75 पॉलोथीन में भर दिया। लेकिन बच्चे बार बार यही पूछते कि हमारी माँ कहाँ है, वो रो रो कर उनका बुरा हाल होता। लेकिन वो उनको जब भी कोई छुट्टी होती, वीकेंड होता, वो उनको घुमाने के लिए मंसूर या आगे कहीं ले जाया करता, उसमें से 1-2 पॉलोथीन अपने साथ रखता और उनको जाकर फेंक दिया करता था। दोस्तों इसी तरह से 57 दिन बीत जाते हैं। 57 दिन बीतने के बाद तब ये बड़ा खुलासा होता है और खुलासा इतना भयानक होता है कि आम आदमी चौंकने लग जाता है कि ऐसे भी इंसान इस दुनिया में होते हैं जो अपनी पत्नी को मारकर उसे डीप फ्रीजर में 57 दिन तक रखते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। दोस्तों जो राजेश गुलाटी होता है उसे कोर्ट सजा दे देता है और आजीवन कारावास की उसे सजा दे दी जाती है। आजीवन कारावास की सजा होने के बाद वो कोर्ट में ही अपना जीवन, जेल में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करेगा, जेल में ही उसका पूरा जीवन जीतेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो 2 बच्चे थे, उसके छोटे जो जुड़वा बच्चे थे, उनका क्या कसूर था, उनको अनाथ कर दिया गया। उसकी घरवाली उसके साथ लड़ाई करती थी लेकिन घरवाली को भी उसने रास्ते से हटा दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी किसी से, आपकी घरवाली से अगर नहीं बनती है तो उसके लिए और भी कुछ तरीके होते हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप तलाक ले सकते हैं, उसे अलग रह सकते हैं, लेकिन किसी को रास्ते से हटाना ये एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा करना, आप ऐसा करोगे तो आपने देखा किस तरह का यहाँ पर कांड हुआ। राजेश गुलाटी ने जो कांड किया उसकी वजह से उसके जो मासूम 2 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए और खुद अब जेल में चला गया और पत्नी वो इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों ऐसे क्राइम से अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को ऐसे क्राइम से बचाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।